देसी मॉम एडवेंचर डायरी। सुबह हो गई है एलन की और मेरी। डेविड काम पे चले गए हैं। नाश्ता हमने कर लिया और अब मैं एरन को फ्रेश करती हूँ, उसको नहला के तैयार करती हूँ। आज का दिन स्पेशल होगा क्योंकि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ डेविड के लिए। तो रेसिपीज़ के लिए जो है मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो एरन तैयार हो गया है, मैंने इसको फ्रेश किया, इसके कपड़े चेंज किए। अब मैं थोड़ा घर की सफाई करती हूँ। ये देखें, कल जो है वो संडे को कपड़े धुले थे, तो ये एरन के कपड़े अंदर ही टांगे हुए हैं। वो हमारे कपड़े थे जो सैटरडे को धुले थे। तो एरन के कपड़े जो है वो मैं अंदर ही डालती हूँ, अंदर ही सुखाती हूँ, क्योंकि आपको पता है यूके का जो वेदर है उसका कुछ पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए। तो एक और रीज़न ये है कि क्योंकि इधर ग्रीनरी है लॉन में, तो कीड़े वगैरह इसके कपड़ों पे ना आ जाए, तो इसलिए एरन के जो कपड़े हैं वो मैं अंदर ही डालती हूँ। और अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ घर का काम। काफ़ी फैला हुआ है, मुझे समझ नहीं आती, दो लोग हैं लेकिन घर थोड़ी देर में जो है वो इतना ज़्यादा बिखर जाता है। तो कपड़े तय करके मैंने रखने हैं कबर्ड्स में, और कुछ इस्त्री करने वाले हैं उनको अलग रखना है ताकि मैं फिर उनको प्रेस करके और डेविड के लिए पूरे वीक के कपड़े एक मज़े की बात जो डिफरेंट है पाकिस्तान से वो ये है कि ये लोग अभी तक कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं। एरन के पैदा होने पे काफ़ी कार्ड्स आए हमें फ्रेंड्स से, फैमिली से, और जब उसका बैप्टिज़म हुआ उसके भी काफ़ी कार्ड्स आए। तो मैंने सारे जो हैं कार्ड्स उसके वो संभाल के रखे ताकि जब ये बड़ा हो तो ये वो कार्ड्स जो है वो देख सके कि किस किस ने उसको दिया। तो किसी दिन मैं आपको भी दिखाऊंगी इसके सारे कार्ड्स। घर का काम हो गया, मैंने सोचा एक कप चाय पीते हैं और एलन को बाहर की जो है वो सैर कराते हैं। अच्छी सी धूप निकली हुई है लेकिन हवा में ठंडक है, तो बाहर बैठने का काफ़ी मज़ा आता है। हल्की हल्की धूप भी लगती है और फिर ठंडी ठंडी हवा भी। अच्छा जी, मेल आई है, देखते हैं क्या आया है इसमें। मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या है। डेविड की जहाँ जॉब स्टार्ट हुई है वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉइज को, उन्होंने ये चीज़ तो मुझे ही दे दी थी। तो यहाँ से मिला है माय स्टाफ शॉप कार्ड। तो ये कार्ड जो है ये मैं देखिए माय स्टाफ शॉप कार्ड है। तो इस कार्ड में जो है वो बैलेंस डालते होते हैं और फिर आप उसको यूज़ करते हैं, और साथ ही इसमें पॉइंट्स बनते हैं, और वो पॉइंट्स भी जो हैं वो आप और डिफरेंट शॉपिंग के लिए और डिफरेंट शॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैंने कैसे यूज़ किया और मैंने क्या क्या बेनिफिट्स लिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा क्या आया दिखाऊं? ये देखो ना, इन्होंने अभी तक जैकेट्स दी हैं सब का, दूसरा यूनिफॉर्म आया ही नहीं। कितनी जैकेट्स दी हैं? तीन। एक? तीन। तीन। तीन जैकेट्स दी हैं डैडी को उन्होंने। अच्छा एरन,
एलन को है कि बस के डैडी जो है ना उसको उठा लें जल्दी से। हाँ जी वो वाली मैं जैकेट अब निकाल दूंगा, ये ले जाऊंगा। ठीक है। क्या रख खड़े बस, और तो कुछ करना ही नहीं। सो गाइस एरन सो गया है और काफ़ी मुश्किल से सोया। फाइनली मुझे टाइम मिला और मैंने जैसे सुबह कहा था कि मैं डेविड के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए इंचलाडा। वैसे हम दोनों बाहर से खा लेते हैं बट घर में हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हम दोनों को बहुत पसंद है, तो चलें ट्राई करते हैं, किट देखते हैं ये कैसी है और इसका कैसा टेस्ट निकलता है। कुछ नहीं है इसमें, एक ये सॉस है, एक ये कुकिंग सॉस है, एक कोई सीजनिंग मिक्स है और ये टॉर्टिला है। पहले मैं जो मैंने कढ़ाई बनाई थी इसको मैं जो ये निंजा फूडी है इसका एक नुकसान सिर्फ ये कि आपके पास देगची जो है ना वो एक ही है, मतलब चावल बनाने सालन के साथ तो पहले आपको सालन बनाना पड़ेगा चावल। सो गाइस रेसिपी में मैंने मिक्स किया सीजन को और सीजनिंग जो थी उसको गर्म पानी में डालना था, मैंने इसको एक बोल में डाला, साथ ही मैंने फ्रिज से चीज़ निकाल ली, गर्म पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर जो एक और पाउचेस थे मैंने उनको दोनों को इसमें डाला और अच्छे से मिक्स किया। ये देखें काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। फिर प्याज ली, उसको फाइनली चॉप किया और उसके बाद मैंने उसको डाला हल्का सा ब्राउन होने के लिए, बिल्कुल मतलब लाइट ब्राउन हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर उसमें डालना था चिकन, चिकन बोनलेस पीसेस थे चिकन के, उसको डाल के फ्राई किया जब तक कि चिकन ब्राउन सी हो गई। उसके बाद मैंने उसमें ये बैंगन डाले और उसको थोड़ा सा पकाया। फिर वो जो सॉस था उसमें से हाफ उन्होंने कहा था डालना, डाल के और मैं प्रेशर लगाया, लो प्रेशर पे मैंने लगाए तकरीबन 4 मिनट ताकि चिकन गल जाए। और 4 मिनट बाद देखे कितनी अच्छी चिकन हो। अच्छा जी ये तो ओवन में डालना है 35 सेकेंड्स। साथ साथ मैं इस बास्केट को तैयार कर लेती हूँ। गाइस इंचलाडास बन रहे हैं, इसके साथ मैं एक और चीज़ फ्राई करने लगी हूँ, फर्स्ट टाइम है, दुआ करें अच्छे बन जाए। मेरी अपनी रेसिपी थी, मैंने आलू को पतले स्लाइसेस में काटा, उसके बाद उसको जो बेकिंग केक बेक वाले सांचा था उसमें डाला और फिर मैंने बटर लिया उसमें ओरिगानो डाला थोड़ा सा और उसके बाद मैंने उसमें डाला ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा नहीं ताकि अच्छा सा टेस्ट रहे। फिर मैंने डाला नमक और नमक थोड़ा डाला क्योंकि वैसे ही बटर में नमक होता है। फिर मैंने फेवरेट गार्लिक पाउडर डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और उस पर पोर कर दिया। देखते हैं इसको कि ये कैसा निकलता है। इसको मैंने स्टीम फ्राई के लिए रखा 170 डिग्री पे फॉर 20 मिनट्स। तो अभी देखते हैं। सो गाइस एंचिलाडास तैयार हैं
और जब मैंने दूसरी चीज़ बनाई है वो भी अभी अवन में है, तैयार हो जाएगी। और ये रेडी हो गया है, टेस्ट करती हूँ कैसा है। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये पूछना चाहते हैं और इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि यूके कैसे आया जा सकता है, यूके में सेटल कैसे हुआ जा सकता है। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और आपके लिए इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से कौन कौन से वीज़ाज हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि आप अकेले या आप अपनी फैमिली के साथ यूके सेटल हो सकते हैं। यूके आने के लिए जो वीज़ाज हैं वो 3 से 4 किस्म के हैं। एक स्टडी वीज़ा है, एक आपका वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वीज़ा और एक विजिट वीज़ा है। कल मैं आपको डिटेल में और ज़्यादा बताऊंगी स्टडी वीज़ा के बारे में, जिस पे मैं भी आई थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, कि हम किस तरह से सेटल हुए। और आपको और भी यूके के बारे में जो है उसके वीज़ास के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल में हम डिटेल से बात करेंगे स्टडी वीज़ा की। कल की वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो पे लाइक और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड करते हैं, कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।